हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबके दिन बहुत बढ़िया बढ़िया जा रहे होंगे। तो लास्ट कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया पूरी सीरीज़ को आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्टेंट नहीं है। नए सफ़र की तैयारी में लगा हुआ हूँ, कहाँ जाऊँगा वो आपको आने वाले टाइम में पता लग ही जाएगा। तो अभी कोई व्लॉग नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, पर हमारे रशियन फ्रेंड्स इंडिया आ रहे हैं, थंबनेल से आपको पता लग ही गया, तो सोचा ये व्लॉग जरूर रिकॉर्ड किया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके पास मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ इनके देश में जाके। तो जिनको नहीं पता, 2022 में जब मैं गया था कजाकिस्तान, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने घर पे होस्ट किया था। इनकी मेहमान नवाजी जो थी वो देखने लायक थी। तो मैं 2022 में पहुंचा कजाकिस्तान अस्ताना सिटी में, और इतनी ठंड थी जो मैंने सोचा नहीं था। इंडिया से नॉर्मल जैकेट ले गया, नॉर्मल जूते ले गया नहीं खरीद के, मुझे लगा मनाली कश्मीर जैसी बर्फबारी होगी, बर्दाश्त कर लेंगे। और इंडियंस को होता है ना कि बर्फ़ देखने का बहुत शौक होता है, तो वही शौक मेरे अंदर था। पहुंच गया कजाकिस्तान, जैसे लैंड हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे, ओए बर्फ़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, बर्फबारी दिखा रहा था बहुत अच्छा। पर अंदर जो मेरे अंदर हो रहा था ना कि भाई ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, पर हाथ ऐसे हो गए थे कि जल जाएंगे, मुंह कान ऐसा हो रहा था कि जल जाएंगे। -35 से -42 डिग्री तक टेम्परेचर था वहाँ पे, जो कि मेरे कपड़े उस लायक नहीं थे। तो उस टाइम मेरी डेनियल से बात हुई व्हाट्सएप पे, डेनियल ने बोला कि आप मेरे विलेज चले जाओ, मेरे फैमिली वाले आपको बुला रहे हैं, आपको होस्ट करेंगे। तो मैंने बोला मैं अस्ताना में हूँ, इतनी बर्फबारी में आपके गाँव कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला आप अस्ताना में जाओ, वहाँ का एड्रेस दे दो। मैंने एड्रेस दिया, उन्होंने अपने गाँव से अस्ताना सिटी में टैक्सी मेरे लिए भेज दी, जो टैक्सी मुझे उनके गाँव लेके गई। जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा उनको पता है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसे थी। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, उनके मदर फादर मुझे मिले जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो मुझे बहुत टाइम पहले से ही जानते हैं। तो डेनियल जो आ रहे हैं, ब्रदर सिस्टर आ रहे हैं, 2 सिस्टर और 1 ब्रदर डेनियल आ रहे हैं, तीनों लोग आ रहे हैं इंडिया हमारे पास, तो हमारे पास ही रुकेंगे। अभी कुछ टाइम बाद उनको, अभी थोड़ी देर बाद उनको रिसीव भी करेंगे। जब मैं डेनियल के घर गाँव पहुँचा था, तो उनके छोटे ब्रदर सिस्टर ट्रांसलेट के थ्रू मदर फादर से मेरी कम्युनिकेशन करवा रहे थे, तो बात हो पा रही थी। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं दूसरे देश में आया हूँ, और इतनी ठंड में मेरे जूते पहले दिन ही उनके विलेज में टूट गए। उन्होंने अपने स्नो शूज़ दिए मुझे, जैकेट दी पहनने के लिए, मफलर दिया, ग्लव्स दिए, मतलब इतनी खातिरदारी कर रहे थे कि मतलब मुझे लग रहा था कि अब यहाँ काम हो जाएगा। इतनी ठंड थी और बर्फबारी में जब व्लॉग बना रहा था तो बहुत हालत बुरी हो चुकी थी। तो इस बार जब 2023 में गया, तब डेनियल से, उनकी सिस्टर जो एक आ रही है साथ में, उनसे भी मुलाकात हुई थी। अपने ब्लॉग में या इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाता हूँ 2022 में जब वहाँ पहुँचा था, जिन्होंने नहीं देखा तो आप देख लीजिए उन्होंने मेरी कैसे खातिरदारी की थी। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अस्ताना से, 100 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये फैमिली है जिन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इनको लैंग्वेज नहीं आती, बट इतना मतलब केयर टेकिंग कर रहे हैं मेरी कि मैं क्या बताऊं, हर चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पानी है, ये सोफा है, ये है। योर नेम? विक्टर। विक्टर, योर नेम? इलियाना। एंड योर नेम? रूफा। इलियाना, विक्टर। तो ये फैमिली है इनकी, और बहुत ही प्यार दे रहे हैं मुझे। ओके, क्रिस्टोस, 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 क्रिस्टोस। तो इस फैमिली ने आते ही मेरे लिए डिनर लगवा दिया। डिनर में वेजिटेबल्स बनाए मेरे लिए, आलू की सब्जी, कि मैं इंडियन हूँ तो उन्होंने देख लिया पहले यूट्यूब पे कि मैं क्या खा सकता हूँ। ब्रेड रख दी, और ये दही बना दिया इन्होंने, इनके पास काओ वगैरह है, सुबह दिखाएंगे आपको। देखिए आलू की सब्जी बनाई है इन्होंने, ये ब्रेड खाते हैं मोस्टली यहाँ पर सब्जी के साथ, और ये मक्खन निकाला है इन्होंने, और ये दही है। दिस इज माय कंट्री इंडिया एंड कजाख। कजाख, मैं कजाख, इंडिया। अभी तो स्टार्टिंग है, ना जाने क्या क्या करने वाले। Yes, दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, यस। Oh.
Классно, классно. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. अभी पैरों को दे रहा हूँ थोड़ा सा आराम. जनाब ये तो बुरी खातिरदारी कर रहे हैं. अब ले आए हैं मेरे लिए पीने के लिए दूध की. मैंने अभी अभी निकाला है गाय का. इसे पियो क्योंकि ये है विलेज लाइफ तो इनके पास गाय भैंस सब हैं. और अभी पड़ी हुई है पूरी बाहर बर्फ तो अभी कुछ नहीं दिखा सकता. तो ये है जी मेरा बेडरूम. इन्होंने लगा दिए दो ब्लैंकेट की ठंड लगे आपको तो आप दोनों ब्लैंकेट ले लेना नहीं तो एक से काम चल जाएगा. टू देख रहे हो. भाषा नहीं आती इनको. ट्रांसलेट करके समझ रहा हूँ या इशारे में समझ रहा हूँ कि आपके लिए रख दिया है. भाई इतनी लविंग फैमिली है मुझे आज तक नहीं मिली. टॉवल रख दिया है कि सुबह आपको फ्रेश होना हो नहाना है तो टॉवल रख दिया आपका. ब्लैंकेट लगा दिया है आपका. थैंक यू थैंक यू. गुड नाइट. तो दोस्तों सारे कपड़े अब इनके दिए हुए पहने हुए हैं. मैंने अपने दिए उतार क्योंकि मेरे कपड़ों से बात नहीं बन रही थी. यहाँ जूतों तक जुराबों तक सब इन्होंने दिया मुझे पहनने के लिए. तो गांव में ये घर है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ. दोस्तों इतनी ठंड में मैं यहाँ पर आ गया हूँ. -42 था परसों और मुझे पता है कि वो परसों वाला दिन मेरा कैसे निकला यहाँ पर. आई रिकमेंड कि सर्दियों में यहाँ बिल्कुल भी ना आए. जब समर हो तभी आए. और ये सर्दी जो मैं काट रहा हूँ वो आपको ना काटनी पड़े. ऐसा लगता है यहाँ पर कि भाई यहाँ काम हो जाएगा. पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना टेम्परेचर झेल लूँगा यहाँ पर. देखिए पैर कैसे दब रहे हैं. जैकेट ले जाओ ये ले जाओ वो ले जाओ. तो अब देखो यार कितने लोग अच्छे हैं यहाँ के. तो देखते हैं फ्यूचर में कभी यहाँ आना हुआ इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे या सर इंडिया में आएंगे तो आपको दिखाएंगे. थैंक यू वेरी वेरी मच. अब चलते हैं. ओके बाय बाय. सी यू ऑल इन इंडिया. तो देखा आपने उनके घर गया. कितने अच्छे लोग थे. कैसी खातिरदारी की. पर उस टाइम मेरी डेनियल से मुलाकात नहीं हो पाई थी. डेनियल से सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो रही थी. पर जब उनके गांव से वापस मैं अस्ताना पहुंचा और अस्ताना से मेरी ट्रेन थी अलमाटी की. तो ट्रेन स्टेशन पे डेनियल 5 मिनट के लिए आए मुझसे मिलने के लिए. पहली बार हम मिले थे वो भी 5 मिनट के लिए. और डेनियल उस टाइम में मेरे लिए ट्रेन सफ़र के लिए खाना पीना लेके आए थे. और मुझे मतलब ऐसी कमी महसूस होने नहीं दी कि मैं दूसरे देश में अकेला हूँ. बट अब वो लोग आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना. और कई लोग बोलते हैं आप वहाँ जाते हो फ्री में रुकते हो फ्री में खाते हो ये करते हो वो करते हो. मतलब बहुत गंदे कमेंट भी लोग करते हैं. पर उनको नहीं पता कि स्ट्रेंजर्स बिकम फ्रेंड्स. अगर हम किसी देश में जा रहे हैं वहाँ दोस्त बनाना अच्छे गुड रिलेशन बिल्ड करना भी कोई चीज़ होती है. हर चीज़ फ्री फ्री नहीं होती. तो अब जब वो लोग आ रहे हैं तो हम उनकी खातिरदारी कैसे करते हैं आने वाले व्लॉग में बहुत जल्दी आपको दिख ही जाएगा. और अभी वो एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं. चलिए उनको पिक करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे. Такая традиция в Индии. Так вот приветствуют нас. तो भाई अपने आ गए हैं दोस्त कजाकिस्तान से रशियन फैमिली लीवो डेनियल एंड क्रिस्टिना. Thanks. Wow. Welcome.
to my house. So nice! So beautiful! Do you like? Very like! Okay. I like... Lia. So this is our home and you are most welcome in India. Beautiful! Very beautiful! तो ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया इनके लिए जो भी ये काली चाय पीते हैं कावा लेट्स स्टार्ट प्रे बिफोर इट Господь, спасибо за то, что мы хорошо добрались до Индии. Спасибо за кофе. Благослови наше пребывание здесь. तो भाई इनके लिए बना दी है चाय ये लोग ऐसे ही पीते हैं कावा पीते हैं और थोड़ा बहुत दूध डाल लेते हैं और चीनी जैसे इन्होंने मेरे लिए बनाया था मैंने भी इनके लिए बना दिया ऐसे मिल्क काऊ मिल्क सो यू वांट टू पुट शुगर एंड तो भाई सुबह से आए हुए थे अभी उठे हैं नाउ गुड मॉर्निंग फॉर यू बट फॉर अस इट्स टाइम टू गुड नाइट तो सुबह से ये लोग आए हुए हैं और सुबह से लगातार सो रहे हैं बिकॉज दो दिन से बोले हम अच्छे से सोए नहीं अब इनका हो रहा है ये ब्रेकफास्ट नाउ दिस इज योर ब्रेकफास्ट एंड डू यू हैव वाटरमेलन इन कजाकिस्तान यस यस इन वार्म पार्ट ऑफ कजाकिस्तान ओके एंड दिस नो इट्स सिमिलर लाइक ऑरेंज बट नॉट ऑरेंज वी सी दिस फ्रूट सी नॉट सी डोंट सी We never saw such But you like? I don't know what is this. Oh. But in India we say mosami, mosmi. Mosmi. Yes. Mosmi. Mosmi. Yes. Yes. Krishna, do you like this? Mosmi? Yeah, right, mosmi. Yeah. तो इनको हमारी मौसमी पसंद आ गई है इंडिया की और क्रिस्टीना नॉट वेल बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग In Tajikistan. Same like my route. Me also Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, then again Kazakhstan. Yes. Then वो भी तो भाई ये अपना रूम है और देखिए ये आए हैं मैंने बोला जहाँ तुम्हें जैसे बैठना है जैसे खाना पीना है वैसे कर लो रूम की हालत देख लीजिए पूरा फ्रीडम दिया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं जैसे हमें हॉस्पिटैलिटी मिली थी कजाकिस्तान में इनके मदर फादर के द्वारा वैसे ही यहाँ मेरे पेरेंट्स भी इनकी पूरी खातिरदारी कर रहे हैं शी सेड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इन इंडिया इन माय होम दिस इज योर ओन होम लाइक इन योर अकोल कजाकिस्तान अस्ताना थैंक्स थैंक्स और अच्छा लगा ये यू लाइक इट थोड़ी कृष्णा ढीली बड़ी हुई है कुछ नहीं खाया इनको ठीक करना भी नहीं वो कह रही वैसी प्रॉब्लम है तो खा के हो जाएंगी ठीक जल्दी थोड़ा मसाला डाल दो ना थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा अलग से कटोरी में ले आओ उस पर लगा के देख लेंगे एक बार तो दोस्तों हमें ज्वाइन कर लिया है फरा फ्रॉम इटली हेलो हेलो हाउ टू से हेलो सियाओ चाओ चाओ बेला चाओ बेला चाओ ग्रासिया ग्रासिया बोन अपेटिटो हां मोल्टो बेलो फ्रा मोल्टो बेलो तो फरा ने भी ज्वाइन कर लिया हमें यार फुल मस्ती कर रहे हैं हम लोग दिल्ली में तो ऐसे ही कुछ दिन पहले भी मेरे पास दो फॉरनर्स फ्रेंड्स आए थे स्पेन से तो देखिए इस वीडियो में आ गया आप तो दोस्तों अपने पास भाई आए हैं दोनों स्पेन से हेलो लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट्स योर नेम Abel from Spain yes. and you I'm Pablo from Spain also
Pablo from Spain. First time in India. First time in Delhi. First day in Delhi. तो भाई लोग मेरे पास रुके हुए हैं, जैसे मैं रुकता हूँ बाहर जाके, ऐसे ही भाई लोग मेरे पास रुके हुए हैं. So today you are trying to eat something authentic. Special in India. Yes. Do you know what we call this? Golgappe, right? Golgappe. Before you tried or is this first time? First time. Okay. Indian food. तो मैंने इनको सिखा दिया कैसे खाना है. Okay. You can try now. Start. Okay, now some potatoes. Yeah. Good. Okay. Do you like chili also? A little bit. Little bit? Not too much. Okay. With this one, I put again? Yeah, up to you. You can use green or red. The last one. Way too much. Are you ready to eat? Chan. Ready. One second. Okay. Are you ready? Okay, start. Okay, cheers. Cheers. How's it? Strong. Or feel chili? Feel chili, but good. Good chili. Rather good chili? So good? Really. Do you like it? Mm-hmm. Yeah. Can you eat in future? Yeah, even now we can eat more. Great. Sure, we will recommend it. तो दोस्तों इनको अपने गोलगप्पे पसंद आ गए हैं. So we say golgappe or someone says pani puri. Pani. Pani. Yeah, you are from Spain? Mm-hmm. Pani puri. It's like pani puri. Yeah. Mm-hmm. Great. Subscribe, share, travel to love. Yeah, thank you nice so much. Nice videos, yeah.